भागीदारी होगा। आज के भारत वर्ष से हमने बताया है कि तुम्हारा ये तो पूरा मंशा है, नया देश बनाने के नाम पे तुम चाहते हो कि हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में इस देश के बड़े आबादी का, इस देश के पिछड़ों का, दलितों का, माइनॉरिटीज का, आदिवासियों का, इस देश के मैक्सिमम पॉपुलेशन का कोई भागीदारी नहीं होगा। ये फिर कौन सा देश, किसके लिए ये नया देश तुम बना रहे हो? आज हम लोग यहाँ से ये पूछेंगे। हमने देखा है कि आरक्षण का लड़ाई एक बहुत लंबा और एक बहुत मुश्किल लड़ाई है। ऐसे एक देश में जहाँ पे जातिवादी व्यवस्था हजारों सालों से कायम है, उसी देश में एक लोकतांत्रिक देश के गठन के लिए आरक्षण का लड़ाई लड़ा गया और जीता गया। लेकिन हमने देखा है कि कानून पे लागू हो जाता है, लेकिन कभी भी वो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स में, वो नौकरियों में लागू नहीं होता। अंदर का जो जातिवादी ढांचा है वो गारंटी करता है कि कोई भागीदारी नहीं होगा। हमने देखा कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने के समय भी ये हुआ था, और उसके बाद जब ये 200 पॉइंट रोस्टर 2006 में आता है, तब से लेके आज तक कभी ये सही तरीके से लागू ही नहीं हुआ। आज के समय का आंकड़ा बताता है कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, उनमें से बस 100 में से 7 लोग वंचित तबकों से आते हैं। ये कौन सा शिक्षा व्यवस्था है, ये कौन सा नॉलेज है जहां पर हमारे देश के आवाम का कोई जगह नहीं है? 200 पॉइंट रोस्टर कभी भी सही से लागू नहीं हुआ। नया भारत बनाना था तो 200 पॉइंट रोस्टर को सही तरीके से लागू करना था। नया भारत बनाना था तो ये गारंटी करना था कि यूनिवर्सिटीज में 50% लोग वंचित तबके से आएंगे, और ये नया भारत बनाने वाले लोग देश के आवाम के ये गद्दार जैसे ही सत्ता में आते हैं, हम देखते हैं कि रोहित वेमुला से लेकर सिलसिला शुरू होता है और एक के बाद एक हमला देश के वंचितों पे, देश के दलितों पे, पिछड़ों पे किया जाता है। ये देश की सरकार आप देखिएगा, इनके जो स्पोक्स पर्सन है ये बोलते नहीं हम तो चाहते हैं कि 200 पॉइंट रोस्टर लागू हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट से पहले ये लोग माननीय भी जोड़ देते हैं और सब कुछ कोर्ट के हवाले करने लगते हैं। मोदी जी आप सुन लीजिए, हमको पता है लोकसभा में जब आप 10% TWS कोटा का बिल लाए थे, तब किसी को सोचने समझने का वक्त आप नहीं दिए थे, आप तुरंत लाए थे। पूरा देश विरोध कर रहा है कि कम्युनली मोटिवेटेड सांप्रदायिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू ना हो, लेकिन ऐसे चुटके में आप लोकसभा से पारित कराते हैं जो इस देश का जनता नहीं चाहता है, वो बिना पारित कराते हैं। लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर के लिए आप कोई भी ऑर्डिनेंस लाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं अपना बात बस ये कह के खत्म करना चाहूंगी कि आज जवानों पर हमला है, आज नौजवानों पर हमला है, आज रोजगार पे हमला है और सामाजिक न्याय पे हमला है। मेरा बूथ सबसे मजबूत करने वाले लोग ये जान लो, अगर आरक्षण लागू नहीं हुआ, अगर 200 पॉइंट रोस्टर लागू नहीं हुआ, तो आप जान लीजिए कि इस देश का बड़ा आबादी एक एक बूथ में आपको बोल बोल के हराएगा, और देखते रह जाइएगा कि इस देश में कौन मजबूत है और वो किसका दिन आने जाने वाला है। इसीलिए इसी मांग के साथ भाकपा माले से मैं ये मांग फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी कि तुरंत ऑर्डिनेंस लाओ और 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करो। शुक्रिया।